एडवांस का जो टेस्ट है, बहुत सारे बच्चों ने इरेगुलरिटी शो की है। मतलब इरेगुलरिटी कैसी, सिर्फ एक टेस्ट दिया, दूसरा दिया ही नहीं। अगर आप इस कैटेगरी में लाए करते हैं तो वो टेस्ट ना देने के बराबर ही है। यस, मेरे शब्द आपको थोड़े कड़वे और कठिन जरूर लगेंगे, बट यही सच्चे है जी। अगर आप अपनी इस एनर्जी मोड में वो दोनों टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, चाहे कारण कुछ भी हो, सर हमारा बैकलॉग है, हमने तो रिवीजन नहीं की, टाइम नहीं मिला, कुछ भी कारण हो, वो तो कारण हमेशा रहेंगे, मैं उनको डिनाई नहीं कर रहा हूं। बट अगर आपने वो टेस्ट नहीं दिया, सिर्फ एक टेस्ट दे के छोड़ दिया या दोनों ही टेस्ट नहीं दिए, तो भैया अलार्मिंग सिचुएशन में आप हैं। प्लीज अपने आप को जगाइए, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर चलता होता तो बार बार आपको इतना नहीं बोला जाता, ठीक है, हाँ ना। और दूसरी चीज, अब आपने टेस्ट दे दिया है तो उसको क्या करो, आप एनालाइज करो। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे नहीं सॉल्व हुए होंगे, बट उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो आपसे सॉल्व हो जाने थे। टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपके बोर्ड का टेस्ट हुआ है, कि 100 नंबर का टेस्ट आया, अब मुझे उसमें से मैक्सिमम उठाने हैं। आप समझो कॉम्पिटिटिव क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या होता है। सर हमें बाकी लोगों से ज्यादा नंबर लेके आने थे, बाकी लोगों से ज्यादा, मतलब हमें जितना आता है उसमें हमें 100% सही करके आना था। तो ये कहां और किसने बोला है कि सारे सवाल सही होने चाहिए, ऐसा तो होता भी नहीं है कभी, और ऐसा होगा भी नहीं एडवांस में। बट हाँ, जितना आपको आता था, जो चीजें आपको पता थी, जो उसमें आसान सवाल थे और मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे, क्या आप वो कर पाए कि नहीं कर पाए। और नहीं कर पाए तो सोचो कि क्या कारण रहा होगा, आप कौन से सब्जेक्ट में अटके, कौन से सवाल में आप उलझे रह गए, जिसकी वजह से आपका आसान सवाल वेट ही करता रह गया। सर समझिए इस बात को प्लीज, क्योंकि जब तक आप इस बात को समझोगे, फील नहीं करोगे, एनालाइज नहीं करोगे और अपने दिल में नहीं बिठाओगे, तब तक ये बात बार 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 आपकी जिंदगी में आती रहेगी कि हाँ यार मैं तो सवाल तक पहुंच ही नहीं पाया। क्यों भैया, क्यों नहीं पहुंच पाए, समझ पा रहे? तो प्लीज एनालाइज कीजिए, ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनना प्लीज, प्लीज एनालाइज कीजिए। अपनी मिस्टेक्स का, अपने एरर्स का एक लिस्ट बनाइए कि हाँ ये मुझसे एरर हुए हैं, अगले चैप्टर में, अगले टेस्ट में जब होगा तो मैं इन एरर्स का ध्यान रखूंगा। यही एनालिसिस है, मैं आपको बार बार बता चुका हूं। और समझदार इंसान को, जो IIT एस्पिरेंट है, उसको एक बार बताना ही सफिशियंट होता है। और तीसरा पॉइंट, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं सॉल्व हुए पेपर के अंदर, कोई बात नहीं, अब उनका सॉल्यूशन देखिए प्लीज, क्या बोला गया है, क्या चीज ऐसी लग रही थी जो मैं नहीं सोच पाया या नहीं सोच पाई एग्जाम के अंदर, अच्छा इस बात का ध्यान रखना है, उसको फिर ध्यान रखो, फिर आगे बढ़ो। समझ में आया? टेस्ट को पूरा सॉल्व कीजिए, ठीक है, टेस्ट आपके सामने आ रहा है, ऐसा नहीं आया और चला गया, तुम्हें लग रहा है कि सर ये तो पहला ही टेस्ट था, कोई बात नहीं। अरे भाई, जब पहले में ही तुम परफॉर्म या फिर अपना 100% नहीं दे पाए तो आगे आने वाले टेस्ट में कैसे दोगे, समझे? तो बहानों से अपने आप को लपेट के मत रखिए प्लीज, बहानों वाला चोगा उतार दीजिए और अपना रियल वर्जन सामने लेके आइए, ठीक है। एक बहुत फेमस लाइन है, हारा वही जो लड़ा नहीं, और जो लड़ा उसके आगे कोई अड़ा नहीं। समझ में आया? तो अगर आप लड़ ही नहीं रहे हो तो फिर हारिए भैया पक्की। और जो लोग टेस्ट दे के आए हैं, दोनों टेस्ट दिए हैं, ऑन द रिस्पेक्टिव टाइमिंग दिए हैं, बहुत बहुत रिस्पेक्ट है जी। मैं नंबर पूछ ही नहीं रहा हूं कि आपके नंबर कितने आए, बट आपने टेस्ट दिया, आपने सीरियसनेस दिखाई, आप वहां पहुंचे और आपने उस मूवमेंट को सीरियसली अटेन किया या अटेंड किया, समझ पा रहे हो? तो दैट इज वेरी गुड, इस चीज को कंटिन्यू रखिएगा, बिकॉज यही फाइनली जेई एडवांस में, जेई मेंस में काम आती है। हाँ, जो लोग लिख रहे हैं कि सर मेरे कम मार्क्स आए हैं मैथ्स में, तो कोई बात नहीं, आप कारण ढूंढो, कारण जरूर पता चलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, वो कारण ध्यान रखिए प्लीज, क्योंकि वो रीजन जो है वो आपको अगले टर्म में या अगले टेस्ट में आपको लर्निंग के तौर पे काम आने वाला है।